बीबी महताब कौर जो 5 साल की हुई ना तो कि विह हो गया तो उदू विह के लावा तो कर देंगे कोई 6 महीने बाद कोई 6 साल बाद असं बजुर्गों को सुनते मुकलावा जता डोला जाता तो कहते कुछ समय बाद जो समा मिथ्या गया जो डोले का समा होया ना महताब कौर का तो फिर भी होया जो सारिया तैयारियां हो गई बच्ची का डोला तोड़ना है ये विह इसी राजेवाल विखे राजेवाल ने तो जो समा होया तो 2 दिन पहला सुनेहा आ गया सारिया तैयारियां की महताब कौर का पति चढ़ाई कर गया 2 दिन पहला सुनेहा उस बच्ची का संसार पहला ही उजड़ गया बसन तो पहले उजड़ गया जिमें आप कहते हाँ पर हुक्म वाहिगुरु का है परमात्मा का है सतगुरु का कहते समा चलता गया हूँ तो ऐसी गल नहीं पहलिया समयों के बहुत सी हूँ भी अनपढ़ लोग करते जे किसी बच्ची का पति चढ़ाई कर जाए ना तो फिर उन्होंने बोल कबोल बोले जाते हैं अपने पति को खा के अच्छा जे कहते ऐसा हो पत्नी चढ़ाई कर जाए तो कभी किसी ने पति को कहा कि पत्नी को खा गया साडा समाज वेखो कि पति चढ़ाई कर जाए किसी ने पत्नी को आख्या पति ने आख्या कि तू पत्नी को खा गया कोई नहीं कहता मर्द प्रधान समाज है जो दिल करता वही करता ये भी सच्चाई है पर मेरे गुरु नानक के घर में ऐसी गल कोई नहीं इतने मर्द से तीवी बराबर नहीं कहते जिथे भी हूँ माता पिता को बड़ी चिंता हो गई जिथे भी रिश्ता करो कहते मुकलावा 2 दिन पहले पति को खा गई रिश्ता नहीं हो जिथे भी रिश्ता कर रिश्ते उन्होंने समय में तो बहुत ज्यादा कोल बल कहते माता पिता मां बेचारी इसे वियोग के चढ़ाई कर गई जवान बच्ची मेरी घर बैठी जिदा डोला चलिया भी नहीं भी अगर रिश्ता भी होता तो फिर कहते समा बनया पिता ने सलाह की जेड़ा खन्ने के नेड़े पिंड है राजेवाल उत्थे दा शाहूकार सी शिबू मन उहदा पहला भी विआह होता हिंदू सी पहला भी परवाह विआह होया है उहदे बच्चे ने कहते समाज में रहण योगी हो जाए कोई गल तो उहदे नाल विआह कर दिता गया महताब कौर दा उहने शर्त रखी कि मेरे तो पहले ही बच्चे ने मैनूं होर बच्चा नहीं चाहिए जे रहना है तो फिर बच्चा नहीं कहते परमात्मा ने कृपा की घर रही है पहला बच्चा होया रब के प्यारियां मुश्किल भी देखो अभी जो देखी तो साधे अगे तो कुछ भी नहीं पहला बच्चा होया महताब कौर दे पति ने दाइया कह के गला घुट के मरवा दिया फिर दूसरा बच्चा होया फिर ये पति शिबू माल ने दाइया कह के गला घुट के मरवा दिता फिर तीजा होया फिर इवें होया जो चौथा बच्चा होया ना चौथा बच्चा होने तो पहला संगत ना दरबार साहब सचखंड श्री हरिमंदर साहब चली गई तो इस बच्ची ने महताब कौर ने अपने पति को कहा कि मेरे मन की इच्छा है तुसी जाओ ना जाओ मेरा मन बड़ा उदास रहता है मेरे मन की इच्छा है कि मैं एक बार धन गुरु रामदास महाराज के दरबार में सतगुरां दे दर्शन करके आवां हरिमंदर साहब जा के कहते मन गया चलो संगत नाल चली गई दरबार साहब जाके बीबी महताब कौर ने अरदास की धन गुरु रामदास महाराज तू निमाणियां दा माण है निताणियां दा ताण है महाराज मेरे दिल की दर्द ते तू जानदा है क्योंकि छोटी उम्र तू ही जतीम हो गया सा पर सतगुरु तुहाडे ते रहमत होई बैठा सोझी पातशाह रामदास सतगुरु घर क्योंकि सतगुरु जी के वचन ने जदों सतगुरु अमरदास महाराज के चरणों च परवान चढ़ गए तो फिर उन्होंने पहले वचन से हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम तापे धन धन गुरु नानक जन केरा जित मिले हैं चुके महाराज मैं तो कीड़ा सी पर है कीड़ियां भी पातशाहियां बख्श देना गुरु रामदास महाराज मैं छोटे होंदया ना मेरा पति चढ़ाई कर गया मैं थोड़े तो नाल गेड़ा नहीं किया शिकवा नहीं किया तेरा भाणा सत करके मन हे सतगुरु रामदास महाराज
मेरे ते इनिया कढ़ाइया मेरी मां मेरे वजोग कढ़ाई करके मैं ता भी गला नहीं किया। हे सतगुरु रामदास महाराज मेरे सहुरियां दे घर विच इन्ना विचकरा होया मैं ता भी तेरे नाल गला नहीं किया। मैं नौकर राणिया की तरह रही हाँ मैं ता भी विचकरा नहीं किया। पर गुरु रामदास पातशाह तेरे घर विच किसी चीज की कमी नहीं, मेरे मन की भी इच्छा है मैनू भी कोई मां कहण वाला हो, मैनू भी कोई मां कहण वाला हो। जे तेरी कृपा होवे तो वरत सकती है, नहीं तो मेरे पति ने मेरे तीन बच्चे पहला उम्र मार मार। सतगुरु जी मैं वादा करती जे तेरी रहमत होगी ना तो फिर तेरे चरणा का सिर होगा। घर आ गई तो जो चौथा बच्चा होने वाला सी ना बीबी महताब कौर के घर, तो फिर उन्हें अपने पति शिभू मल में आख्या कि मेरी बेनती है जिड़ी भी शर्त को मंजूर है कि मेरे इस बच्चे संसार देख, मेरे बच्चे संसार देख दौ। जिमें कह लगे चंगा फिर जो थोड़ा बच्चा पैदा जो तू रखना ही है ना तो मैं अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देना। तो सत बचन मैं हूँ गल नेड़े करा क्योंकि समा नेड़े हो गया, घर औलाद हुई, छोटा बच्चा होया, पर पहला ये बच्चा ऐसा है जिसे पैदा होने खुशी नहीं हुई घर का, उल्ट स्कूल होया क्यों हो गया ये अड़ गई मैं बच्चा पालना है मैं बच्चा रखना है। तो उस बच्चे का नाम रखा गया राम जी दास, बच्चे का नाम रखा गया राम जी दास। समा ऐसा चलिया कहते शाहूकार घाटा पै गया, बजुर्ग ना चलते हुए भी चढ़ाई पै गई नौकर की तरह तो पहला महताब कौर जी ये नाल भी सी ना दूजी भाव राम जी दास जिन्होंने भगत पूरन सिंह बनना वो मतरेई मां जी सी ना क्योंकि प्रॉपर्टी की मालिक तो है उन्हें धक्के मार के राम जी दास ते फिर यदि माता महताब कौर को घरों कट कहते हूँ वो नहीं तो थोड़ा मेरे घर में कोई जगह नहीं। चले घर भांडे मांज मांज के दस कलासा पढ़ाइया ने राम जी दास को मान। फिर कहते इतों चल के कितने गए अमृतसर, उस वेले उत्ते भी मसंदा का कब्जा हों गुरु घर आए। आप भी इदा करते हूँ भी आप जतन कर रहे हैं जी पंजाब में ब्लड आ गए तो माया आप कट्ठी करके सारे भेजिए गुरसिखा का तो यही काम कितने लोड़वंद होड़ हो जाए कितने विपता पै जाए तो जिमें गुरु का सिख जिमें गुरु विदकरा नहीं करता गुरु का सिख भी नहीं करता। कहते जो अमृतसर पहुंची ना तो उत्थे दे रहण वालियां ने दरबार साहब टिकण नहीं दिता मां पुत नहीं तुहाडे वास्ते कोई जगह नहीं वो जगह जिथे गुरु रामदास महाराज बख्शिशां करते ने रहमत करते ने देखो उत्थे दे लोकां दा हाल। ते इतों चल के फिर मां पुत लाहौर पहुंच गए जिथे अज गुरद्वारा डेरा साहब है गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह जी का पुत्र शहीदी। मैं जिहड़े वचन कर रहा जी किसी की किताब नहीं खुद जीवनी लिखी है भगत पूरन सिंह जी उन्हें खुद अपनी जीवनी लिखी वो वचन कर रहे हैं ना ये कुछ वाद है ना कुछ घट है। तो मैं बिल्कुल टूक मत जो उन्होंने विस्तार वाले एनी मोटी किताब लिखी आपके साझी नहीं हो सकती। फिर कहते उ बड़े प्रेम जाके उ ग्ञनी गुरमुख सिंह से जोड़े ग्रंथी सिंह उन्होंने मिलते हैं बड़ी बंदगी वाली रूह बड़े सिमरन वाले ने भाई साहब उन्होंने जाके मां पुत मिलते ने बीबी महताब कौर तो राम जी दास कह लगे साढ़े को जे पंचम पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज की कृपा हो जाए ना तो शहीदी अस्थान है डेरा साहब लाहौर जे तुम कृपा कर दो तो असं इतनी सेवा करा साढ़े रहने वास्ते जगह हो जाए जे मिल जाए तो बड़े प्रेम न कह लगे हाँ क्यों नहीं ये गुरु का दर है जेदा कोई नहीं ओदा गुरु जेदा कोई नहीं ओदा गुरु। फिर कहते उत्थे रहन लग जाए बड़े प्रेम नाल एक दिन ना ये लंगरां दे विच सेवा करते ने होर संगतां दी सेवावां करते ने चंगी सिख्या।